मोदी मोदी ना यू बुकाऊ दिख है बोले झूठ पटाऊ दिख है न्याऊ दिख है कालर चोड़ा है बिन डिब्बे का इंजन दौड़ा है उतर लैन स्टेशन फोड़ा है या धुम्माधार चला कोना जाली सरकार चला कोना। इसमें और एक दूसरी बात है कि चश्मे झूठे चढ़ा रहा मोदी और दुनिया को बुका रहा मोदी। मोदी रहता हरदम टरड़ में सभी काम योग करे थरड़ में। हरियाणा हेडलाइन देखने वाले सभी दर्शकों को राहुल सैनी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो किसान आंदोलन चला हुआ टिकरी बॉर्डर ले लीजिए, सिंधु बॉर्डर ले लीजिए या गाजीपुर बॉर्डर ले लीजिए या फिर गुड़गांव की तरफ वाला बॉर्डर सभी किसानों ने सील कर दिए हैं। किसान का जो आंदोलन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और जो किसानों की संख्या वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यहाँ पे लोक कलाकार भी आए हुए हैं जो अपने हरियाणा के देहाती कलाकार हैं, उन्होंने भी कुछ अपनी बातें रखी हैं जो किसानों के सामने और जो सरकार के सामने, उनसे जरूर बात करेंगे भी उनका यहाँ आने का क्या तो उद्देश्य है और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। नमस्कार जी। राम राम जी। सबसे पहले तो आप ये बताओ आप कहाँ से आए हो और आपका आने का क्या उद्देश्य। और जी सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और मेरे छोटे से परिवार की तरफ से हरियाणा हेडलाइन की पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि वो इस मोदी मीडिया गोदी मीडिया को छोड़ कर यहाँ हमारे इस किसान आंदोलन में पहुँचे हैं। और रही बात अपना परिचय तो मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट हिसार है और गांव कोतकला का मैं वासी हूँ। आप कितने दिन से यहाँ आए हुए हो? मैं भाई साहब यहाँ लगभग आज 17-18 दिन हो गए मेरे को मेरी पूरी टीम के साथ। आप यहाँ लोगों को जागरूक भी कर रहे हो और एक समाज को संदेश भी दे रहे हो। कुछ लोगों का कहना ये है कि भाई ये तो किसान अनपढ़ आ रहे हैं, किसानों को बरगला दिया, कानून पढ़े नहीं ढंग से, हम किसानों को फायदे के लिए हमने कानून बनाए थे। तो क्या कहना चाहोगे आप? तो समाज का एक आईना होगी, समाज को समय समय पर आप जागरूक करते आए। देखो जी अब जमाना बदल चुका है। रही बात पढ़ाई लिखाई की तो किसान जो मोटी मोटी बातें हैं जो समझ में आने की बात है इतनी तो जानता है। रही बात LLB भी हमारे किसान हैं, हर उसमें किसान है, सीमा पर भी है, पढ़ाई लिखाई में भी है, लेकिन ये हाँ किसान सीधा साधा है, वो ज़्यादा चापलूसी की बातें और लोगों को बरगलाने की बातें नहीं जानता, फर्क इतना है। कुछ राजनीतिक गलियारों से भी बातें आती हैं कि भाई ये तो किसान है पंजाब के आगे, कांग्रेसी समर्थक आगे, कुछ खालिस्तानी समर्थक होने तक का दावा किया जाता है और कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि वे समय जो सरकार में बैठेगी भी इनको तो फंडिंग हो रही पाकिस्तान से हो रही है, चाइना से हो रही है। देखो जी रही बात पंजाब और हरियाणा की बात नहीं है, आज यहाँ आपने देखा, आपने कवरेज भी किया है कि आज हमारे ये बिहार से भी आए हैं और अभी ये शायद कर्नाटका से हमारे प्रधान जी बोल रहे हैं। और रही बात क्या बोले था ना, फंडिंग का आप लगाओ कि मैं गांव कोतकला से हूँ, हमारी 12 खाप कल रात को आई थी ट्रैक्टर ट्रेलियों में और गाड़ी में, वो अपने साथ चून के कट्टे, देसी घी, दाल, जो हरी सब्जी, प्याज, हरी मिर्च सब कुछ लेके आई है। इसमें आप ये लगाओ कि कहाँ से क्या फंडिंग होगी। अब मारा जो भी है लस्सी मारी, घी मारा, चून मारा और के जरूरत है। हम तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ बैठे हैं तो सरकार की सिर्फ ये लाइट ले रहे हैं और इतनी भी नहीं ले रहे हैं कि 5-5, 7-7 वाट के बल्लभ है, लेकिन वही बात सब भाई EVM का झूठ बोलनी है, झूठ बोलना है, राज करना है। जैसे कि आप कलाकार हो, आपने एक रागनी भी पेश करी थी दर्शकों के सामने, तो एक बार उसके बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताओ भी उस रागनी का क्या तो उद्देश्य, एक बार रागनी के बारे में बताओ और उसका अर्थ भी बताओ। रागनी का देखो मैं आपको बात बताऊं कि जो कवि होता है वो कवि रवि से बड़ा होता है। मैं भी लगातार 2006-05 से इन्हीं समाज के साथ, मेरे किसान देवताओं के साथ, जमींदारों के साथ रहूं। 2014 में जब BJP सरकार आई बड़े बड़े वादे करे थे और उसी बात को लेकर हमने बात बनाई कि फिर जमाना दौड़ा कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, जो BJP ने कुणबा जोड़ा BJP ने हर पार्टी से लोग उठाए
हर पार्टी वालों में जो चेहरे देखकर उनको लालच देकर किसी ना किसी प्रकार से अपने अंदर मिलाए, जो बीजेपी ने कुणबा जोड़ा जाली सरकार चले को ना, और फिर जमाना दौड़ा दौड़ा आज आप देख लो हर वर्ग वो लाइनों में लगा हुआ है, पैसे के लिए बैंक के दर दर ठोकर खा रहा है, कहीं उसको राशन कार्ड के लिए लाइन पर लग रहा है, कहीं आधार कार्ड के लिए लाइन पर लग रहा है। और अब गांव में ये जो हमारी लाल डोरे की जमीन थी जो पुश्तैनी हुआ करती भाई, उस पर कोई सरचार्ज नहीं था, उसको भी आज इस कोरोना की आड़ में उसको भी लाइन खींच रहे हैं गांव दर गांव में, उसमें रजिस्ट्री करी जा। हाँ जी, और इसकी एक बात लाइन है कि मोदी ना यू बुकाऊ दिख है, बोले झूठ पटाऊ दिख है, न्याऊ दिख है, कालर चोड़ा है, बिन डिब्बे का इंजन दौड़ा है, उतर लाइन तक स्टेशन फोड़ है, या धुम्माधार चला को ना, जाली सरकार चला को ना। इसमें और एक दूसरी बात है कि चश्मे झूठे चढ़ा रहा मोदी और दुनिया को बुका रहा मोदी। मोदी रहता हरदम टरड़ में, सभी काम योग करे थरड़ में। स्वामीनाथन आप भी कवरेज करते हो, स्वामीनाथन के बारे में आप भी जानते होंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट आप लागू करो तभी इन किसानों का भला होगा। मोदी रहता हरदम टरड़ में, सभी काम योग करे थरड़ में, और स्वामीनाथन गेरा खरड़ में, यानी उसको ठंडे बिस्ते में बस्ते में। इस बीजेपी सरकार ने, इस तानाशाही सरकार ने, इस किसान विरोधी सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। और एक और बात आपके बीच में इसमें है कि खट्टर, खट्टर के बारे में बोला मारे हो जाते हैं, ठेठ हरियाणवी हैं, दिक्कत से बदमाश यो खट्टर कर हरियाणा का नाश रहा खट्टर। दुष्यंत ने, दुष्यंत भी इनका समर्थक है, दुष्यंत ने रे जुल्म करा दिए, चोड़ा कलर खप्पर भरवा दिए, पिपली कांड आपने कवरेज करा होगा, दुष्यंत ने रे जुल्म करा दिए, चोड़ा कलर खप्पर भरवा दिए, यो अत्याचार चलक। दुष्यंत ने रे जुल्म करा दिए, चोड़ा कलर खप्पर भरवा दिए, पिपली में किसान पटा दिए, यो अत्याचार चलक होना और जाली सरकार चलक होना। किसान आड़ती रहे सुख दुख के साथी, साथ जले जलो दीवा बाती, महावीर संधु भजन बनावे, गलत हरफ एक ना पावे, और सभी किसान शहीदों को शीश झुकावे, पर भ्रष्टाचार चले को ना, जाली सरकार चले को। और आपने जो बातें बताई हैं कि एक समाज को भी एक जोड़ने का काम कर रही हैं बातें भी, जो सरकार के बारे में आपने जो बातें लिखी, क्योंकि कलाकार होता है वो राजनीति में ना तो कभी जाता हो, तो समाज की जो बातें हैं वो दर्शकों के सामने पेश करता है। और हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हो, जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं और जो समाज से जुड़े हुए लोग? देखिए, मैं आपके माध्यम से भी और हमारे माध्यम से भी लोगों को ये संदेश देता हूँ कि अपनी एकता ही में ही बल है और अपनी एकता को दिखाना जरूरी है। ये बीजेपी सरकार ने इस जनता को कगल घोटने के लिए ये हमारे तीन काले कानून लाए हैं, और मैं